मेरी बेटी धूप खा ली, धूप खा ली हो आप? धूप को आप खा ली हो कि धूप आपको खा ली है, ये बताओ हैं? धूप को खा ली हो आप हैं? धूप पता कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पता है आपको? छोटा बेबी, मेरा बच्चा, मेरी अंग्रेजन छोटी सी हैं, धूप खा ली हो आप? कैसे खा ली हो, मुंह खोल के खा ली हो कि पेट में डाल ली हो? धूप बोलो, जादू के जैसे बोलो, धूप ऊपर देख के बोलो, धूप। धूप खा ली, अच्छी नहीं लग रही? नहीं अच्छी लग रही मेरे बेटे को, धूप भी नहीं अच्छी लग रही मेरे बच्चे को, नहीं अच्छी लग रही है छोटे बेबी को है? अन्नो खा रही है धूप। स्वागत है आपका याशना की दुनिया में। ये देखो नन्नी का जख्म देख रहे हैं आप, कितना बड़ा हो गया इसका जख्म। इसके मतलब इतना सा था ये फूटा, फिर इतना मतलब इसके लिए दवाई लेके आते ना, इसलिए ये इतना तड़प रही थी, रो रही थी। तो मैंने आपको कल बोला था कि आज मैं फिर से उस जगह जाऊंगी। नाश्ता वगैरह तो हम सब लोगों ने सब कर लिया है, सिर्फ अमानी सोया हुआ है घर में, बाकी हम सब जागे हुए हैं। मम्मी के हाथ में दर्द हो रहा है, उनके हाथ में मैंने पट्टी बांध दी है, गर्म पट्टी। ये आ गई है भी अपना हाथ लेके आई, देखो ये मैं पट्टी हटा दूंगी। नहीं नहीं, आप आपका आज वो है सजा, पट्टी बांध के रखो बेबी, इसमें हॉस्पिटल का। नहीं नहीं, तो थोड़ी देर बांध के रखो, आधा घंटा तो एटलीस्ट बांधो। आधा एक घंटा इसको रख लो, वो इतने कर रही है, मैं भी आके कर लूंगी, मैं आधे घंटे में तो आ रही हूँ। तो चलते हैं वहीं पे, उसी जगह जो बचे हुए हैं हमारे पास क्लोथ्स, वो देने के लिए। ओके, ये बैग यहाँ नहीं आ रहा है, इसको मुझे पीछे ही रखना पड़ेगा, मैं बैठ के पकड़ लेती हूँ, है ना? ये देखो हम कैसे लेके जा रहे बैग को, बाप रे बाप। ये देखो इतनी मेहनत चल रही है पूरा। ये देखो ये बैग है, ये स्कूटी चला रहा है बेचारा, प्रॉपर ढंग से बैठा हुआ भी नहीं है। और मैं ये बैग, क्योंकि ये बैग आगे नहीं आया, इसका हैंडल भी टूट गया। वाह आए थे आप यहाँ पे आए इस वक्त, यहाँ सामने बहुत चल रहा तमाश कोने में, वहीं बांट देते हैं। चल स्कूटी लगा दे यार, ये कौन सी ट्रॉली मांग रही थी ना आप, मांग रही थी ना ट्रॉली? नहीं मैं तो मजाक से कर रही थी। रख लीजिए सीरियस में, अगर दे दूंगी तो ले लेंगे। दे दो याशु, नहीं दे। अरे एक मिनट बेटा, बड़े मुझे दे दो। वेलकम, चलो हो गया हमारा सारा काम, हम घर पे चलते हैं। अच्छा लगा उसमें, बोलो बोलो, मजा आया। चलो तो हम हो गए हैं पूरे खाली हाथ। मैंने अटैची भी लोगों को दे दी, क्योंकि उसने इतनी प्यार से मुझसे बोला कि दीदी हमें कुछ नहीं मिला, एक औरत बात में आई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ये अटैची रख लो, मेरे किसी काम की नहीं, मेरे घर में वैसे भी बहुत है। तो हम लोग जा रहे हैं खाली हाथ वापसी, अभी हमें और भी बहुत काम है। अभी हमें पेट्रोल डलवाना है धन्नू में, और बैंक भी जाना है, तो बैंक नहीं, सॉरी ATM जाना है, और सब्जियाँ भी लेनी है, बहुत सारी बहुत काम है आज तो।
और फिर अतिथि को भी घुमाने लेके जाना है, तो चलते हैं। गई हूँ मैं डंबल ड्राई यहाँ पे जाके मुझे अपने ड्राई क्लीनिंग वाले कपड़े लेने हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं ऊपर के लिए हमने कपड़े, हम जा रहे हैं अब एटीएम की तरफ धड़ाधड़ जा करके भागते। ये चल रहा है अल्तुश, मेरे साथ हमेशा जाता है काम में, ऐसे कामों में हमेशा खड़ा हो जाता है, भले ही पार्टी वार्टी में ना खड़ा हो। ज्यादा तेज नहीं चलाते हम लोग, क्योंकि वो ये डर लगता है, लिमिट में चलानी चाहिए स्पीड, ताकि सामने कोई आए तो हम रोक सके। मछ ले रहा है अपने लिए पापड़ी चाट, हमने गोलगप्पे खा लिया है। और आपको पता है आज क्या हुआ, बैंक में एक रुपया भी नहीं है, तीन उसमें मशीन है, तीनों में एक पैसा भी नहीं है। ये नोएडा की कंडीशन के मैं आ गई हूँ दूसरी जगह पैसे निकालने के लिए, पैसे क्योंकि वहाँ पे तो थे मशीन में। कहाँ से निकलेंगे, निकलो, आओ 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 भैया, आओ आओ। आ गई हूँ मैं सब्जी लेने के लिए, जल्दी जल्दी सब्जी ले लूँ फिर चलते हैं घर पे। अल्तमाश मेरे साथ ही बिचारा, देखना ये जो ये लाया है ना फावड़ा बीकानेर से, स्कूटी चलाते चलाते खा रहा था, मैंने इसको खाना भी नहीं खाने दिया, खुद भी नहीं खाया। चलेंगे यहाँ से, शाम हो गई है, शाम के बचने वाले हैं 5:30। आधे घंटे में देखा मैंने कितने काम निपटा दिए। और वो मेरी सोसाइटी, ये देखो कहाँ गया वो बैगन, ये छोटे बैगन है और इसमें ये दिल मिला है हमें, कितना प्यारा दिल है। लो दे दो जल्दी से दो, सब्जी दे रही हूँ, बहुत मच्छर काट रहे हैं टांगों पे, इधर कभी इधर खुजाऊँ कभी उधर खुजाऊँ। ये है मार्केट में ताज़ा सब्जी, जिसको आना आ जाओ लेने के लिए। आ गए हैं हम फाइनली लिफ्ट में और बहुत थक गए, दोनों का ही मुंह उतरा हुआ है क्योंकि दोनों भूखे हैं। इस बेचारे ने भी बहुत मेहनत की, पता है सुबह से मेरे साथ ही काम काम काम, आज का शूट पूरा अल्तमाश ने किया मेरे साथ जाके। अच्छा लगा अल्तमाश, देखा शूट, व्लॉग्स बनाना आसान नहीं है, व्लॉग्स बनाने में बहुत मेहनत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत, नींद का भी नहीं पता होता इंसान को जब एडिटिंग करता है। तो गई हूँ मैं घर में और घर में आके देखा मैंने, मुझे मिला ये हिट मॉस्किटो बैग मिल गया बेड। यार ये टेनिस है मच्छर मारने का, सीधी बात, नो बकवास, आओ आओ आओ, मुझे पट पट बोलते हुए सुनने चाहिए। मैं आ गई हूँ बाहर फिर से रेडी शेडी होके, मॉल आ गई हूँ मैं, मॉल के अंदर जा गई हूँ मैं। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे बच्चे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं तो इस पे कूद ही नहीं सकती। अमान तू कूद लेगा इस पे? अमान पता है ऊपर जाके ना दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आ जाओ, कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ मैं, रोबोट। तो मैं आ गई हूँ कहाँ, ये देखो इनकी जैसी मैं भी एक दिन बनूंगी। मैं अपनी मूवी देखने के लिए और इन लोगों ने मुझे दिया सरप्राइज, मैं जैसे ही घर पे आई तो इन्होंने मुझे बताया नहीं, बोला कि मॉल चलो मुझे कुछ लेना है, बट इन्होंने मुझे दिया सरप्राइज और ये मुझे दिखाने आए दृश्यम 2। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं हम कहाँ जा रहे, मुझे लगा तुम मॉल आए सरप्राइज देने के लिए, मेरा तो दिल खुश हो गया सरप्राइज से। बट ये ना मुझे दृश्यम दिखाने लाए, ये और अतिथि हमारे, बट मैं अगर देखती ना वो देखती भेड़िया 3D है वो, मुझसे बोल पूछते तो, बट बताया नहीं इन्होंने मुझे। तो मैं डालने जा रही हूँ इसमें हाथ, हम जो टिश्यू इधर उधर फेंक देते ना वॉशरूम में, इसके लिए मशीनें लगाई गई है। आप देख सकते हैं, दिखाना, ये सूख गए मेरे हाथ। तो ये जो है ये मशीन इसलिए लगाई गई है क्योंकि लोग बाग वॉशरूम में आके टिश्यू इधर उधर फेंक देते हैं और गंदगी भी हो जाती है, तो इसके लिए ये मशीन लगाई गई है यहाँ पे मॉल में। अच्छी लगी मुझे मशीन, थैंक यू, इन्होंने मेरी वीडियो शूट की है। चलो चलते हैं मूवी देखने के लिए। आप मूवी अभी स्टार्ट नहीं हुई, हम लोग बाहर बैठे हैं पॉपकॉर्न लेके, सभी लोग ऑलमोस्ट बैठे हैं यहाँ पे, बैठा मेरे पीछे अमान। सारे पॉपकॉर्न यहीं खा जाऊंगी मैं। मैं सारे पॉपकॉर्न यहीं के ही खा जाऊंगी। 7:30 बज रहे हैं, 7:35 पे मूवी थी तो बस 4 मिनट बाकी हैं। कैसी लगी,
अच्छी लगी मूवी। कैसी लगी मूवी? बढ़िया थी ना। देखो जाकर, अगर आपने पहला पार्ट देखा तो ही देखो, वरना मत देखो। जिसने पहला पार्ट देखा है वही दूसरा पार्ट देखना, ठीक है, वरना समझ नहीं आएगी। लास्ट तक पूरा ही सस्पेंस, पूरा ही सस्पेंस है, पूरा फुल। बड़ी औसम मूवी थी ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये मिक्की माउस बना हुआ था, ठीक है। मैं इस पे बैठी, मुझे नहीं पता इसकी हवा निकली हुई है, इसका हाल देखो मैंने कैसा कर दिया। मैं भी गिर गई, ये भी गिर गया। क्या थी, आप लोगों को भी देखनी चाहिए मूवी, बहुत अच्छी थी, मजा आ गया। जल्दी जल्दी घर जाते हैं, ठंड बहुत है। तो घर में मैं आ गई हूँ, ये देखो मम्मी को, मम्मी और ये नन्नी। ये तो भाभी मुझसे कह रही, मम्मी से तुम बोल रही, मैं बात नहीं कर रही हूँ। अरे ये क्या पंता मिजी है, बिल्कुल ही हंसी। चूचू का हुआ बेटा, का हुआ मेरे राजकुमार को, का हुआ, क्या हो गया मेरे बच्चे को, कितने मारे मेरे बेटे को, ये क्या निकाल दिया तुमने मुंह से, है बुलबुल है। भाभी क्या हो गया मेरा बेटा, क्या हुआ, क्या कर रही थी आप सुबह से उठ तक, क्या कर रही थी मेरी बेटी, छोटी सी प्रिंसेस मेरी, क्यूटी क्यूटी वाली प्रिंसेस, बैड मैनर्स बैड मैनर्स बैड मैनर्स। तो बहुत रात हो चुकी है, 3 बज गए हैं और मैं चली सोने, खाना तो नहीं खाया, एक नस में बहुत दर्द हो रहा है, वही ज्यादा सोचने से मुझे माइग्रेन का दर्द उठ जाता है, माइग्रेन है क्या पता नहीं। और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो आज मैंने किया उन लोगों के लिए वो आप भी कर सकते हैं। और जैसे आज लोग थे, मैं उनको अपनी खुशी से कपड़े देने गई थी, तो आप लोग, अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे कपड़े हों जो आप ना पहनते हो, तो आप भी कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पे उसकी नीड है, और वहाँ पे जाके वो कपड़े डोनेट करके आ जाइए, जैसे मैं गई थी। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।